बच्चों, कल जो मैंने हेल्पर्स की स्पेलिंग आपको मूक पाठ करने के लिए दी थी वो हो गई? वेरी गुड। उस हेल्पर्स की स्पेलिंग को आज हमें सिर्फ लर्न नहीं करना, उसे हम आज डिस्क्राइब भी करेंगे। तो क्या आज हम गेम नहीं खेलेंगे? खेलेंगे बेटा, डोंट वरी। आज की गेम में सबसे ज्यादा हेल्पर्स जो डिस्क्राइब करेगा वही विनर होगा। वाह टीचर, इस तरह तो गेम भी हो जाएगी और हेल्पर को डिस्क्राइब करना भी सीख लेंगे। यस डियर, यही तो इस गेम की खासियत है। रौनक, तुम एक्टिविटी बोर्ड और मैजिक बॉक्स लेकर आओ, आज आप हमें इस गेम में हेल्प करोगे। और बाकी बचे स्टूडेंट्स तीन ग्रुप बना लीजिए अपने, तब तक मैं गेम में जरूरी सामान डिस्प्ले कर लेती हूँ। रौनक, आप ये ब्लैंक पेज सब में बांट दो। यहाँ मैजिक बॉक्स में मैंने हेल्पर्स के फ्लैश कार्ड रखे हुए हैं। इन बॉक्स में मैंने उनके वर्क प्लेस और थिंग्स के चीट रखी हुई है। ग्रुप में से आपको बारी बारी से आगे आना है और सबसे पहले मैजिक बॉक्स में से हेल्पर का कार्ड पसंद करके एक्टिविटी बोर्ड में लगाना है और इस बॉक्स में से हेल्पर के रिलेटेड चीट को ढूंढ कर उसे उस कार्ड के नीचे लगाना है। टीचर, क्या हमें सिर्फ चीट लगानी है? गुड क्वेश्चन डियर। जब एक मेंबर चीट ढूंढ कर उसे एक्टिविटी बोर्ड पे लगा रहा होगा, तब बाकी मेंबर उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस को अपने ब्लैंक शीट में लिखेंगे। एक ग्रुप की बारी खत्म होने पर दूसरे ग्रुप को मौका मिलेगा। हर ग्रुप की बारी खत्म होने पर लिखे हुए पेपर रौनक को देने होंगे और आखिर में आपके सेंटेंस काउंट करेंगे। टीचर, हम गलत स्पेलिंग बोल के दूसरे ग्रुप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ जरूर, ये भी गेम का हिस्सा है। तो आप सब रेडी हो? ग्रुप ए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। हुए 21 सेंटेंसेस बनाए हैं, जबकि ग्रुप बी ने 4 हेल्पर्स को डिस्क्राइब करते हुए 25 सेंटेंसेस बनाए हैं और ग्रुप सी ने 5 हेल्पर्स को डिस्क्राइब करते हुए 25 सेंटेंसेस बनाए हैं। यहाँ पर ग्रुप बी और सी का स्कोर एकदम सेम है, लेकिन ग्रुप बी ने 4 हेल्पर्स को डिस्क्राइब किया है और ग्रुप सी ने 5 हेल्पर्स को डिस्क्राइब किया है। तो आज का हमारा विनर ग्रुप है ग्रुप सी। प्लीज क्लैप फॉर ग्रुप सी।